हमको कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। आपको इतना कड़वा भी नहीं होना चाहिए कि कोई आपको थूक दे, और इतना मीठा भी नहीं बनना चाहिए कि लोग आप निगल जाएं। यह सच बात है कि किसी दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में अड़ंगे डालने का वक्त सभी के पास होता है। जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। तुम्हारी प्रशंसा करने वाले लोग बेशक तुमको जानते होंगे, लेकिन तुम्हारी फिक्र करने वाले लोगों को तुमको ही पहचानना होगा। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, लेकिन एक तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जिंदगी भर गुलाम रहता है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। उम्मीद रखने वाले इंसान लाख बार हारने के बाद भी नहीं हारते हैं। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है, लालच हमारे ईमान को खा जाता है, उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। ऐसी वाणी बोलिए जिससे जमकर झगड़ा होए, लेकिन उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। स्वार्थी दोस्तों से बड़ा कोई और दुश्मन नहीं होता है। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। दुहक भोगने वाला व्यक्ति तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुहक देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। आपकी बुराई वही लोग करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान ही होते हैं, क्योंकि दोनों के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। आपको अपना व्यवहार दूसरों के साथ इस तरह रखना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे तो कोई भी उस पर विश्वास ना करे। दूसरे लोगों की इज्जत केवल इज्जतदार लोग ही करते हैं, क्योंकि जिसके पास कोई इज्जत नहीं वो लोग दूसरों को क्या इज्जत देंगे। खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आपको उम्मीद अपने आप से करनी चाहिए, किसी और से नहीं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। परिवर्तन से घबराना और संघर्ष से डरना इंसान की सबसे बड़ी कायरता होती है। ये सोच होती है हम लोगों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देखो उस सूर्य को जो अकेला ही चमकता है। सेवा तो सभी लोगों की करनी चाहिए, लेकिन आशा किसी से भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सेवा का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। इस दुनिया में लोगों को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन लोगों को अपनी गलती नहीं मिलती है। अगर आप अपने आने वाले कल को सुधारना चाहते हैं तो आपको अपने बीते हुए कल से शिक्षा लेनी चाहिए। हमारा गुस्सा वो हवा है जो हमारी बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और कामयाबी दोनों ही मिलेगी। अगर आपको भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो वही मिलेगा जो आप चाहोगे। अगर आपको बार बार असफलता मिल रही है तो निराश मत होना, क्योंकि महान वैज्ञानिक एडिसन सफल होने से पहले हजार बार असफल हुए थे। जीवन का अगर हर दांव जितना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है, और बुद्धि जितना समस्याएं आना संकेत है कि तू सही मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना अपने जीवन की आधी मुश्किलों को आपने समाप्त कर लिया। विश्वास और चिंतन आपको हर मन चाही चीज दिला सकता है। जन्म के बाद मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी की मृत्यु के बाद फिर जन्म। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। जीवन की नौका को अगर हौसले और संघर्ष की पतवार से दौड़ ढाया जाए तो कोई भी सुनामी आपके जीवन रूपी नौका की रफ्तार को नहीं रोक सकती। दूसरों पर अगर विजय पाना है तो सबसे पहले खुद से जीतना होगा।
अगर आप चाहते हो कि आज जैसी कठिन परिस्थितियां आपके सामने हैं, वो कल ना हो, तो वक्त रहते वक्त की कूदर करना सीख लो। मुझे पूरा विश्वास है कि कल आपका बेहतर होगा। बुराई का एक छोटा सा कीट डंडा आपके पूरे अच्छे कर्म रूपी फल को खराब कर देता, क्योंकि इंसान अच्छाई की बजाय लोगों की बुराइयों का अधिक याद रखते हैं। अजीब है ना, वक्त पर मौका नहीं मिलता और मौके मिलने तक वक्त गुजर जाता है। मनुष्य का अशांत मन तभी शांत होगा जब लालची इच्छाओं का बोझ उनके मन से उतरेगा। ये ध्यान रखना कि क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने वाला व्यक्ति हमेशा के महापुरुष कहलाता है। शक्ति जीवन और निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है तो संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है पर द्वेष मृत्यु है। आपकी दिन भर की परेशानियां तभी खत्म होगी जब आपका मन और दिमाग शांत और स्थिर रहेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान ना हो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। किसी व्यक्ति की दरिद्रता ही उसकी अज्ञानता की पहचान है। क्रोध के रस के कड्डवाहट अपनों के रिश्तों को भी कड्ढवा कर सकती है। झूठ बोलने से दिन की शुरुआत तब अच्छी होगा जब वो झूठ किसी के बचाव में बोला गया हो। धैर्य एक कठिन परीक्षा है और इस परीक्षा को पास करने वाला ही सफलता प्राप्त कर सकता है। असफलता को नजरअंदाज कर सफलता के लिए फिर से कोशिश करें। धर्म ये जरूर सीखता है कि सभी एक साथ मिलकर साथ चलो। जो कुछ भी आज हम हैं वह परिणाम है हमारी उस पुरानी सोच का जिसे हमने आज तक सोचा है। अगर कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ पीड़ा ही नसीब होती है, और अगर कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो खुशियां उसकी परछाई बन जाती है और वो भी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ डाती। ऐसे पुत्र मूर्ख है जो अपने पिता के प्रेम की तुलना सिर्फ पैसों से करता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्याकुल होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का विनाश हो जाता है। सत्य रूपी कड्डीडीडीहावी गोली हर कोई मुंह में नहीं रख सकता। वक्त पर वक्त की कूदर ना करने वाले अक्सर होश आने पर वक्त का पता पूछते हैं। भगवत गीता में वासना, क्रोध और लालच को नर्क के तीन द्वार बताए गए हैं। सबक के बिना सफलता के बारे में सोचना वैसा ही जैसे बिना बीज बोए फल की प्राप्ति। ये बात एकदम सत्य है कि सबका साथ आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। प्यार का महत्व भी जीवन में उतना ही है जितना कि जीवन में खाने का। अगर जितना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलती कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही न करना। किसी जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। दुष्ट मित्रता खूंखार जानवर से भी भयानक होती है, क्योंकि जानवर तो केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। सर्वज्ञानी वही है जो गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान मानता हो। दुख तब तक आपको सताएंगे जब तक आप दूसरों को रुलाएंगे। छोटा बड़ा, अपना पराया, मेरा तेरा वाले भाव मन से मिटा दो, फिर देखो सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भागवत गीता जीवन के सुख को भविष्य और अतीत में ढूंढने वाले अक्सर वर्तमान के सुख को खो बैठते हैं। संदेह रिश्तों में कड्डीवाहट घोलता है जबकि विश्वास रिश्तों को जोड़ देता है। शब्दों में सादगी एक महान इंसान होने की पहचान है। प्रेम में वो बल है जो हर नफरत का हल है। कपटी पुरुष की मित्रता सर्प का विष पीने समान है। आज जो भी आपके पास है अगर उसमें आप खुश है तो समझ लीजिए आपसे बड़ा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। परम सुख धन को नहीं, माता पिता की सेवा को माना जाता है।